आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे दिवेला की फसल के बारे में। तो देखिए, हम लोगों ने बेसिकली इसको बारिश ख़त्म होने के बाद लगाए रखा था और अभी इसको 3 या 4 महीने हो गए और इस तरीके से इसमें माल वगैरह देख रहे हो आप लोग तरीके से है। और देखिए, पहले ये छोटी सी इस तरीके की लूम बनती है इस तरीके से, और फिर बाद में इस तरीके से थोड़ी सी जो लाल लाल आप देख रहे हो इसमें से ये बनते हैं, ये आप देख रहे हो ये बनता थे, और इसके बनने के बाद इस तरीके से पूरी लूम बनती है। देखिए, इस तरीके से बड़ी वाली लूम बनती है और इसको बाद में पक जाती है। पकने के बाद देखिए, जो हमारे पास यहाँ पर पहले लगा रखे थे इसमें कहीं कहीं पर भैया पक गया, लेकिन पक गया नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। ये रही पकी हुई, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर से देखिए, ये हमारा मेन माल ये है, इसको अपन मंडी में ले जाएंगे तो इसके अभी 20 किलो के हिसाब से अगर मैं हिसाब करूँ तो अभी 1300-1400 रुपये इसके चल रहे हैं मार्केट रेट। तो मतलब कि 70 से 75 रुपये प्रति केजी इसके भाव अपने को देखने को मिलते हैं। और अगर बात की जाए इसके पर एक बार के, मतलब कि एक सीज़न में या कितने क्विंटल तक हो जाता है, तो मतलब कि पिछले बार जब हमने लगाया था तो मतलब कि हम बात की ले जाए तो हमारे यहाँ 30 मण यानी कि करीब करीब मान के चलिए 6 क्विंटल के आसपास प्रति बीघा हो जाती है। मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से फसल होती है ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस इसमें ज़्यादा कुछ काम भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको पहले लगा दीजिए, बाद में खाद बाद देते रहिए, पानी थोड़ा सा पानी ज़्यादा देना पड़ता है इसमें, और दवाई वगैरह छिड़कते रहते हो तो आपको इसमें लेबर की काफ़ी कम ही ज़रूरत होती है। और जो इसमें खरपतवार है वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी होती है, देखिए अभी यहाँ पर भी थोड़ी सी है, लेकिन बाद में उसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी खरपतवार इसको कुछ असर नहीं करेगी क्योंकि अभी अब फसल बड़ी हो गई है, तो खरपतवार इसके अंदर वैसे भी कुछ ज़्यादा खास ग्रो नहीं कर पाती है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और बाग काफ़ी अच्छी फसल अपने को देखने को मिलती है। जैसे इस तरीके से लूम वगैरह भी देखिए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया सी लूम दिख रही है यहाँ पर। माल का भी इसमें एक बार भी कटिंग नहीं हुआ है, और जब इसमें माल का कटिंग होगा तो बहुत बढ़िया वाला माल अपने को देखने को मिलेगा। तो थोड़ी सी किस्मत हमारी ख़राब थी कि ये थोड़ा सा ही प्लॉट रहा, उधर थोड़ा सा नहीं गए हम लोग, क्योंकि टाइम पर ट्रैक्टर वगैरह ना मिलने की वजह से हम लोगों को थोड़ी सी यह दिक्कत देखने को मिली थी।